हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी, आज हम लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आगे जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो याद रखना है दोस्तों, जैसे भारत सहित दुनिया भर के लिए कोविड-19 बीमारी का सटीक इलाज वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ, अभी तक इसका इलाज नहीं खोजा गया है। अब याद रखिएगा, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका वैक्सीन आने में भी 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। तो ऐसे में एक साधन के रूप में हम प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्लाज्मा थेरेपी हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया के कुछ देशों ने इसका इस्तेमाल किया और इसका सफल परिणाम भी हमको देखने को मिला। भारत में दिल्ली में भी इसका प्रयोग किया गया, उसमें भी कुछ हद तक ये सफल हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि प्लाज्मा क्या होता है। तो याद रखना है कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है। प्लाज्मा कहां पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। एंटीबॉडीज का काम करता है ये प्लाज्मा। याद रखिएगा, ब्लड में आधा से 1 लीटर तक प्लाज्मा पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में कहा जाता है कि आधा से 1 लीटर तक प्लाज्मा पाया जाता है। जैसे रक्तदान किया जाता है ना, उसी तरह प्लाज्मा भी दान किया जाता है। अब याद रखिएगा, थ्योरी क्या है? तो थ्योरी देखिए क्या है कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है उस व्यक्ति के ब्लड से हम प्लाज्मा लेंगे, और जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति संक्रमित है, उसमें हम उसको ट्रांसफर करेंगे। ऐसे में क्या होगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ लेना है कि थ्योरी तो ये है कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है, अब ठीक हो चुका है मतलब क्या कि वायरस से लड़ने के लिए उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज तैयार हो चुका है, वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो जो व्यक्ति ठीक हो गया है, उस व्यक्ति के ब्लड से प्लाज्मा लेकर के, मतलब जो ठीक हो चुका है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो उस व्यक्ति के ब्लड से हम प्लाज्मा लिए और जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें हम उसको ट्रांसफर कर दिए। इससे क्या होगा कि उस संक्रमित व्यक्ति ठीक हो जाए। ये हमारा थ्योरी। अब इसमें समझना क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि जो व्यक्ति ठीक हो चुका है तो कितना दिन के बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? तो 2 सप्ताह के बाद ही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ये आपको याद रखना है कि जो ठीक हो चुका है वो कितना दिन बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? तो दोस्तों याद रखना है, 2 सप्ताह के बाद। अब 2 सप्ताह के बाद उसका कम से कम 2 बार टेस्ट होगा, उसके बाद ही वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो 2 सप्ताह के बाद टेस्ट होगा, तो टेस्ट कौन सा होगा? तो एलिजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट बताएं दोस्तों? एलिजा टेस्ट। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो थ्योरी हम आपको बता रहे हैं कि संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुका है उसके शरीर से हम प्लाज्मा लेकर के जो बीमार है, जो संक्रमित है, उसके शरीर में यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो टेक्निक है, समझना है दोस्तों, इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इस टेक्निक को पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। दोस्तों यही सब आप लोगों का क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को याद रखना है कि ये थ्योरी क्या है। तो थ्योरी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसके ब्लड से प्लाज्मा हम लेकर के संक्रमित जो व्यक्ति बीमार है उसके ब्लड में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो टेक्निक है इसको क्या कहा जाता है? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में 800 ml प्लाज्मा पाया जाता है। तो एक व्यक्ति से हम कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 व्यक्ति का हम इलाज कर सकते हैं। कम से कम कितना बताया? 2 और ज्यादा से ज्यादा 4। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति के इलाज के लिए हमको कम से कम 200 ml प्लाज्मा का जरूरत पड़ता है। ये सब आपको याद रखना है। कितना ml बताएं? 200 ml प्लाज्मा का जरूरत पड़ता है। अब यहां के बाद थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। याद रखना, 12 अप्रैल 2020 को ICMR, नाम सुने होंगे आप लोग, तो याद रखिएगा, ICMR जो हम आपको बता रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, समझना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2020 को ICMR ने, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, स्वास्थ्य संस्थाओं और अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी में परीक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बस हमारा रहा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ICMR, तो ICMR जो बता रहे हैं इसमें प्लाज्मा थेरेपी में, याद रखिएगा, उसके परीक्षण में भाग लेने के लिए
स्वास्थ्य संस्थाओं और अस्पतालों को आमंत्रित किया। कब आमंत्रित किया? तो 12 अप्रैल 2020 को। तो याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं आईसीएमआर, इसने दो प्रकार की थेरेपी का प्रस्ताव रखा है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ये आप लोगों को समझना है। तो दो प्रकार की थेरेपी क्या क्या है? तो एक याद रखिएगा, पहला है आपका कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। क्या बताएं? कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी पहला हम आपको बताएं, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, और दूसरा है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। तो ये दो आपको याद रखना। पहला क्या बताएं? कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, और दूसरा क्या बताएं? तो प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, 12 अप्रैल 2020 को आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्वास्थ्य संस्था और अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी में परीक्षण के लिए आमंत्रित किया। तो यहाँ पे आईसीएमआर ने दो प्रकार की थेरेपी का प्रस्ताव रखा। कितने प्रकार? दो प्रकार। तो दो प्रकार की थेरेपी हम आपको बता रहे क्या क्या है। तो पहला कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और दूसरा प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। तो यहाँ आपको समझना है कि जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये क्या है। तो याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति वायरस से ठीक हो जाता है, हम आपको कॉन्वालेसेंट बता रहे हैं, देखिए जब कोई व्यक्ति वायरस से ठीक हो जाता है तब उसके शरीर से प्लाज्मा लेकर के संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाल करके वायरस को खत्म किया जाता है। तो एक व्यक्ति के खून में 800 ml प्लाज्मा है, और याद रखिएगा कितना चढ़ाया जाता है, तो 200 ml। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, कॉन्वालेसेंट जो बता रहे ना, इसमें क्या सिस्टम है कि जब कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है उसके बाद उसके शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है। तो आपको हम अभी भी बताएंगे, 2 सप्ताह के बाद ही हम ले सकते हैं टेस्ट वगैरह करने के बाद। तो ये हो गया ठीक होने के बाद, ठीक। और दूसरा आपको प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी बता रहे हैं। दूसरा क्या? प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। देखिए इसमें क्या है, तो बीमार व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। देखिए ये जो पहला वाला हम आपको कॉन्वालेसेंट बताए, उसमें क्या सिस्टम बताएं कि जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में डाला जाता है, ये कॉन्वालेसेंट में है। और प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी में क्या है कि इसमें बीमार व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। बस इमारत। तो प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी में सिस्टम क्या है कि बीमार व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, इसके बाद ठीक हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा रोगी के रक्त में रिप्लेस कर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? दोनों सेम है लगभग लगभग। देखिए प्लाज्मा डोनेट कर सकता है ठीक होने के बाद, तो 14 दिन के बाद ही कर सकता है। तो यहाँ पे आईसीएमआर ने दो प्रकार की थेरेपी का प्रस्ताव रखा। पहला क्या बताए? तो कॉन्वालेसेंट, ये आपको समझना है। और दूसरा क्या बताए? प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। तो कॉन्वालेसेंट थेरेपी में सिस्टम क्या है कि जो व्यक्ति ठीक हो चुका है, ठीक होने के बाद वो उसके ब्लड से हम प्लाज्मा निकाल करके संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में हम डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और प्लाज्मा एक्सचेंज में क्या बताए कि जब बीमार रहता है तो बीमार व्यक्ति से हम प्लाज्मा निकालेंगे, उसके बाद जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसका प्लाज्मा हम उसमें डाल देंगे। बस हमारा क्या बोल रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि ये हम कब कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति ठीक होने के उसके 14 दिन के बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं, इलाज वगैरह उसका टेस्ट वगैरह के बाद। कम से कम 2 बार टेस्ट होगा उसके बाद ही हम कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट। तो याद रखिएगा, भारत में यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना कि कोविड-19 के लिए जो लोग ठीक हो रहे हैं, जिससे मतलब 2 सप्ताह से अधिक समय से कोई लक्षण वगैरह नहीं मिला है, उसी का प्लाज्मा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भारत में हो रहा है। तो दो प्रकार का आईसीएमआर ने दो प्रकार का प्रस्ताव रखा था, तो एक कॉन्वालेसेंट और दूसरा क्या बताए? तो प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। तो कौन सा इस्तेमाल भारत में हो रहा है? तो कॉन्वालेसेंट का इस्तेमाल भारत में हो रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। साथ ही आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सबसे पहले जो प्लाज्मा डोनेट करने वाला सबसे पहला कौन है, तो भारत में याद रखिए गुजरात की प्लाज्मा पहला जो प्लाज्मा डोनर है, नाम है उसका स्मृति ठक्कर। क्या नाम बताएं? स्मृति ठक्कर। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार हम आप लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं। देखिए प्लाज्मा थेरेपी का जब बात आता है, तो प्लाज्मा थेरेपी जो हम आपको बता रहे हैं ना, और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जैसे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इससे पहले, जैसे प्लाज्मा थेरेपी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इससे पहले कभी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा एक वायरस आया था, इबोला वायरस। इबोला वायरस के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो ज्यादातर याद रखिएगा अफ्रीकी महाद्वीप में फैला था। तो इबोला जो वायरस आपको बता रहे ना, इसका भी कोई इलाज नहीं निकाला गया था। तो याद रखिए WHO ने कहा था
कि प्लाज्मा थेरेपी का हम प्रयोग कर सकते हैं और कुछ हद तक ये सफल भी हुआ था। तो ये लाइन आप लोग को याद रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी जो बता रहे हैं इसका इस्तेमाल इससे पहले कौन से वायरस के लिए किया गया था, तो इबोला वायरस के लिए किया गया था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लाज्मा हम आपको बताया हमारे ब्लड में, याद क्या रखना, देखिए प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है और एक व्यक्ति के ब्लड में हम आपको बताएं कितना 800 ml, मतलब एक व्यक्ति के ब्लड से, एक व्यक्ति के प्लाज्मा से हम 2 से 4 व्यक्ति का इलाज हम कर सकते हैं। थेरेपी क्या है, तो थेरेपी हम आपको बताएं, जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसके शरीर से हम प्लाज्मा लेंगे, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में उसको हम रिप्लेस कर देंगे, बस हमारा क्या वो व्यक्ति क्या होगा, ठीक हो जाएगा। इस टेक्निक को याद रखिएगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा चीज हम आपको क्या बताएं कि 12 अप्रैल 2020 को आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने स्वास्थ्य संस्था और अस्पतालों को आमंत्रित किया था, 2 प्रस्ताव दिए आईसीएमआर ने 2 प्रकार का, पहला क्या बताया तो कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, दूसरा क्या बताया प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। भारत में क्या चल रहा है, तो कन्वालेसेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिस्टम क्या है कि ठीक होने के बाद उस व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा डाल के संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है, और प्लाज्मा एक्सचेंज में क्या सिस्टम है कि उसमें जो व्यक्ति रोगी है ना उस रोगी से ही प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और जो ठीक हो चुका है उससे डाल दिया जाता है। कितना दिन के बाद हम डाल सकते हैं, तो 14 दिन के बाद, 2 टेस्ट के बाद। कौन सा टेस्ट, तो एलिजा टेस्ट, समझ में आ गया। और भारत की पहली प्लाज्मा डोनर यदि पूछा जाएगा तो स्मृति ठक्कर, नाम क्या बताएं, स्मृति ठक्कर। तो दोस्तों यहां तक यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स हमारा चल रहा है और वो कंप्लीट होगा, बीच बीच में आप लोगों का इस तरह का टॉपिक मिलते रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।